ग्रेट न्यूज फॉर ऑल द जुडिशियल एस्पिरेंट्स। जुडिशियरी बोर्ड अब सिर्फ 10 हिंदी स्पोकन स्टेट्स की तैयारी नहीं कराएगा, पर दो और स्टेट्स ऐड करनी है, दैट इज गुजरात जुडिशियल सर्विसेज एंड पंजाब जुडिशियल सर्विसेज। इन दोनों स्टेट्स की भी प्रिपरेशन बहुत डिटेल में, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में प्रिपरेशन कराएगा। जैसे आप लोगों को पता है कि जुडिशरी गोल्ड हमेशा हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करता है, हर सिलेबस के छोटे से छोटे सब्जेक्ट को, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस को बहुत डिटेल में कवर करते हैं। ऑल द 10 हिंदी स्पोकन स्टेट्स विच इंक्लूड दिल्ली, हरियाणा, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सभी स्टेट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब पंजाब जुडिशियल सर्विसेज, गुजरात जुडिशियल सर्विसेज को भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के साथ। ओके, सो नाउ कमिंग टू दिस वीडियो, पंजाब जुडिशियल सर्विस का एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या होता है, पिछली कट ऑफ्स कितनी आई है, कितनी एप्लीकेशंस आती हैं, इन सभी चीजों को बहुत डिटेल में इस वीडियो को में डिस्कस करने वाले हैं। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग और थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फॉर पंजाब जुडिशियल सर्विसेज, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, जैसे सभी स्टेट्स के अंदर एग्जाम 3 स्टेजेस पे होता है, वैसे ही पंजाब जुडिशियल सर्विसेज में भी 3 स्टेजेस इन्वॉल्व है। प्रीलिम्स जो कि स्क्रीनिंग राउंड होता है, सेकंड राउंड इज मेंस एग्जामिनेशन एंड थर्ड स्टेज इज इंटरव्यू राउंड, जहां पे आपकी पर्सनैलिटी, लीगल एप्टीट्यूड का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द प्रीलिम्स, प्री का सिलेबस क्या होता है। सी, प्री का सिलेबस वही है जो मेंस का सिलेबस है। एंड बेस्ट पार्ट इज, अगर आप हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करी है आप लोगों ने, तो हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम और पंजाब जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम एग्जैक्टली सेम है, बस लैंग्वेज का फर्क है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बट माइन्यूट से डिफरेंसेस तो है, पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। फॉर इंस्टेंस, जहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, तो आपके पास LLB डिग्री होनी चाहिए। एंड एज अगर बात करें, तो 21 से 37, 21 मिनिमम एज, 37 मैक्सिमम एज के स्टूडेंट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर पंजाब जुडिशियल सर्विसेज। वेरेस अगर हरियाणा जुडिशियल की बात करें, तो वहां पे 21 42 है मैक्सिमम एज, 42 है। यहाँ पे मैक्सिमम एज पंजाब जुडिशियल सर्विसेज में 37 है, लेकिन हाँ 5 ईयर्स का कुछ रिलैक्सेशंस है एंड रिजर्व कैटेगरीज। ठीक है, सो ध्यान रखना 21 साल से 37 ईयर्स के बीच में अगर आप हैं, तो आप अपनी पंजाब जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिलेबस फॉर प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो सिलेबस जो मेंस में पूछते हैं वही प्री में आता है। बस यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ऐड हो जाती है, 0.20 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/5 जिसे बोलते हैं। एक 125 क्वेश्चंस आएंगे, जैसे हरियाणा में आते हैं वैसे ही यहाँ पर भी 125 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, विच मीन्स पूरा पेपर 500 मार्क्स का है, और एक गलत किया तो 0.20 मार्क्स। सो बेसिकली 0.20 मतलब ऑफ 100%, राइट, 0.20% इनफैक्ट बोलना बेटर रहेगा। तो आपका 1/5 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, सो जीके एंड पॉलिटी इसमें साथ में ऐड हो जाता है प्रीलिम्स के अंदर। मेंस में जीके एंड पॉलिटी नहीं आता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता, पर कॉन्स्टिट्यूशन, जीके, पॉलिटी वाला पोर्शन, करंट अफेयर्स भी इसमें आ जाएंगे। तो ये सब चीजें आपके प्रीलिम्स में 125 क्वेश्चंस के अंदर ही इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, हाँ मेजरली जो क्वेश्चंस आएंगे 125 में, ये सारा लॉ का पोर्शन पूछा जाएगा, बट यस फ्यू क्वेश्चंस ऑफ जीके एंड फ्यू क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी ये भी पूछे जाएंगे। ठीक है, सो आई होप यू आर 0.20 से कंफ्यूज मत होना, 0.20% है। ठीक है, सो बेसिकली 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, एंड उसमें अगर सो बेसिकली नेगेटिव मार्किंग विल बी 1/5। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मेंस एग्जामिनेशन, सो बेसिकली प्री प्री और मेंस का सिलेबस क्योंकि सेम है, तो एक बार फटाफट से मेंस का सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। सो 200 मार्क्स के सारे पेपर है, एक्सेप्ट पंजाबी लैंग्वेज, वो 150 नंबर का पूछते हैं, बाकी सारा 200 नंबर के है। 3 घंटे मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। सिविल लॉ 1 में क्या पूछते हैं, सेल ऑफ गुड्स, सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पंजाब पोर्ट्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एविडेंस जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एंड रेंट कंट्रोल। तो ये सारे वही सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, बस एक रेंट कंट्रोल एंड पंजाब कोर्स एक्ट इसमें एडेड है। ठीक है, बाकी जो सारे मेन चीजें हैं जो हम सभी एग्जाम में प्रिपेयर करते हैं। सिविल लॉ 2 की बात करें, तो अगेन 200 मार्क्स। मुस्लिम लॉ, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, कस्टमरी लॉ एंड हिंदू लॉ, एग्जैक्टली वही जो कि हरियाणा जुडिशरी में पूछते हैं। क्रिमिनल लॉ की बात करें, तो सीआरपीसी जो कि अब है बीएनएसएस, आईपीसी जो कि बीएनएस एंड एविडेंस बीएसए। तो एविडेंस क्योंकि कॉमन होता है, सिविल लॉ में भी पूछते हैं, क्रिमिनल लॉ में पूछते हैं। ठीक है, सो ये सारा सिलेबस हो गया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, बाद में नोट कर लेना। ठीक
ठीक है, सब इंग्लिश की बात करते हैं। 200 मार्क्स का है, कॉम्प्रिहेंशन, एसे राइटिंग, सेंटेंस एंड प्रीसी राइटिंग, देन पंजाबी लैंग्वेज जो कि गुरुमुखी स्क्रिप्ट के अंदर आपको ट्रांसलेशंस करनी होंगी, लगभग 150 नंबर का, लगभग क्या 150 नंबर का ही ये पूछा जाता है। तो इन टोटैलिटी देख ले तो 950 मार्क्स का आपका मेंस एग्जामिनेशन है फॉर पंजाब जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। एंड लास्ट स्टेज अगर आप ये क्लियर करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज विल बी इंटरव्यू स्टेज, दैट इज द वाइवा स्टेज, जो कि 100 मार्क्स का है। सो वाइवा और मेंस, आपको पता है ना इंटरव्यू एंड मेंस के मार्क्स क्लब होते हैं, तो इन टोटल देखें तो 950 मेंस, 100 वाइवा, सो 1050 मार्क्स का टोटल पेपर बनता है। सो ये तो हो गया। सो देखो सिलेबस अगर देखें तो एक वही है जो हरियाणा जुडिशियल का, कुछ भी फर्क नहीं है, बस हाँ गुजराती लैंग्वेज, सॉरी पंजाबी लैंग्वेज इसमें ऐड हो जाती है, दैट इज गुरुमुखी आ जाती है इसमें, बाकी सब सेम चीजें सेम ही है। तो अगर आपको पंजाबी आती है तो आप इस स्टेट के लिए तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, पंजाबी आनी भी चाहिए और पंजाबी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मे बी आपने 10th तक पढ़ रखी है, नहीं तो अगर आपको आपको आती है आपके पास 10th के अंदर अपने मार्क, 10th क्लास के मार्क्स के अंदर, मार्कशीट के अंदर पंजाबी एडिट नहीं है, तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन कराते हैं, एंड उसको आप अपीयर कर सकते हैं एंड वहां से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो उसके बाद आप इस एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं। बट आप पंजाबी आनी चाहिए, नहीं तो पंजाबी सीख सकते हो। पंजाबी सीखना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ऑब्वियसली लैंग्वेज सीखने में टाइम तो लगता है, पर इतना नहीं है कि अगर आपको हिंदी आती है तो पंजाबी सीखने में, इनफैक्ट गुजराती सीखने में भी आपको बहुत टाइम नहीं लगता है, आप थोड़ा फोकस करेंगे तो आप इसको सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। अगेन पैटर्न वैसे ही है जैसा, सो सिलेबस भी सेम है हरियाणा वाला, और जो अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें वो भी हमारा हरियाणा जुडिशरी जैसा ही है, थोड़ा मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी बेस्ड एंड अप्लाइड क्वेश्चन मिक्स होते हैं यहाँ पे, बहुत सुपर टेक्निकल जैसे दिल्ली जुडिशरी में बहुत ज्यादा अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, उस तरीके के तो नहीं, बट हाँ बेसिकली मिक्स रहते हैं यहाँ पे, थ्योरी बेस्ड एंड अप्लाइड क्वेश्चंस या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। देखो लास्ट एग्जाम का जो रिजल्ट आया था लगभग आई थिंक अक्टूबर 2023 के अंदर आया था, जिसका प्री हुआ था आई थिंक जनवरी फरवरी 2023 में हुआ था, सो इसलिए अब एक्सपेक्टेड है कि उसका नोटिफिकेशन 2024 में आना चाहिए। आई थिंक पिछले जो सीट्स थी लगभग 159 सीट्स थी, और अगर हम बात करें 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लगभग 8,500 से कम थी, 8,300 टाइप्स कुछ थी जिन बच्चों ने इस एग्जाम को फिल किया था। प्लीज अपने माइंड से ये मिथ दूर कर दो कि लाखों लोग बैठते हैं जुडिशरी एग्जाम में, बिल्कुल नहीं बैठते आपके पास, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट फिगर, लगभग 8,300 स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर इट, और उसमें से कितने बच्चे तो एग्जाम देते भी नहीं है जो कि एबसेंट रहते हैं एग्जाम वाले दिन, प्री वाले दिन। तो लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 6 हजार बच्चे होंगे जिन्होंने पेपर दिया होगा, उन्हीं में से 159 स्टूडेंट्स थी बेसिकली उनको सिलेक्ट करने थे। और कट ऑफ की बात करें तो यस, कट ऑफ के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। तो बेसिकली पहले मैं आपको पिछले 3 पेपर की कट ऑफ के बारे में बताता हूँ। देखो 2017 के अंदर, 2017 में पंजाब जुडिशरी का एग्जाम हुआ था जिसकी कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी, 305 नंबर, 305 पॉइंट समथिंग था, 305 नंबर के करीब कट ऑफ थी फॉर जनरल कैटेगरी 2017। अब ये इंक्रीज हुई जो कि पहुंच गई 320 नंबर इन 2019, 2019 का जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर ये कट ऑफ इंक्रीज होकर के पहुंच गई 320, एंड 320 के बाद जो लास्ट एग्जाम हुआ है जो मैं आपको बता रहा था 2023 में हुआ है, 2022 की नोटिफिकेशन थी, 2023 में एग्जाम हुआ है जनवरी फरवरी में, उसकी जो कट ऑफ गई है वो गई है 393। सोचो कितना वेरिएशन आ रहा है, 305 फिर 320 सीधा 393 पहुंच गई आउट ऑफ 500, दैट मींस कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे इन पंजाब जुडिशियल सर्विसेज। बहुत से स्टूडेंट्स जो कि पंजाब के नहीं है, पंजाबी नहीं आती हो, पंजाबी सीख करके, मैंने आपको जो बताया एग्जाम दे करके, पंजाबी का जो एग्जाम होता है वो दे करके इस पंजाब जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में बैठते हैं एंड दे आर गेटिंग क्वालिफाइड, तो मतलब सिलेक्शन भी हो रही है। तो अगर आप भी चाहें, क्योंकि स्टेट में पंजाब जुडिशियल सर्विसेज में कंपेरेटिवली कॉम्पिटिशन कम हो जाता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर, जहाँ भी जिस भी स्टेट में लैंग्वेज बैरियर है वहां पे कंपटीशन कम हो जाता है, तो अगर आप चाहो तो पंजाब का प्रिपरेशन कर सकते हो, एंड सून वी आर एक्सपेक्टिंग अ फ्रेश नोटिफिकेशन फ्रॉम पंजाब जुडिशियल सर्विसेज। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत
बहुत हेल्प मिली होगी फॉर पंजाब जुडिशियल सर्विसेज, थोड़ा बेसिक आइडिया मिल गया कि किस तरीके का पैटर्न होता है एग्जाम का, कट ऑफ कैसे गई है। तो लगभग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 350 से 400 के बीच में ही इस बार भी कट ऑफ जा सकती है जब नया नोटिफिकेशन आएगा, है ना। तो इस वजह से आई थिंक दिस इज द टाइम कि अब आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं फॉर पंजाब जुडिशियल सर्विसेज। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप चाहें तो हमारे जुडिशरी गोल्ड के दिल्ली सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि जीडीपी नगर में है, एंड ये हमारा सपोर्ट नंबर है। पंजाब जुडिशरी की अगर तैयारी करनी है तो आपको जो भी गाइडेंस चाहिए हमारे इस नंबर में कॉल करके आप ले सकते हैं, 9355688886। साथ साथ बाकी सभी स्टेट्स की तैयारी बहुत डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हम ऑलरेडी करा ही रहे हैं, पंजाब भी साथ में अब स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर आप चाहें तो यहाँ पे कॉल करके आप डेमो सेशन अपना बुक कर सकते हैं, अपने काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे से मिल सकते हैं, सेंटर विजिट करके। थैंक यू सो मच, आई सी यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।